नमस्कार, मैं आशुवाणी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 14 दिसंबर, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएसईबी ने जारी किया 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल। अस्पतालों में 5 दिनों के अंदर डिस्प्ले बोर्ड लगाने के दिए गए निर्देश। नीतीश कुमार ने कहा बिहार में 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। शिक्षा विभाग ने गठित की उच्च स्तरीय समिति। टेस्ट सीरीज के लिए भारत बांग्लादेश ने कसी कमर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। बेल ने 32 रिक्तियों के लिए जारी किया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ने विभिन्न डिसिप्लिन में प्रोजेक्ट इंजीनियर के कुल मिलाकर 32 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर सेक्शन की योग्यता की बात की जाए तो संबंधित डिसिप्लिन में 55% अंकों के साथ बीई या बीटेक डिग्री के साथ ही 2 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट bailindia.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बीएसईबी ने जारी किया 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल। बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा 2023 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। वैसे छात्र जो 2023 में इंटर की परीक्षा देने वाले हैं वो आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in से डिटेल शेड्यूल चेक कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी 2023 से शुरू होगी, जहां 1 फरवरी को मैथ्स हिंदी, 2 फरवरी को फिजिक्स इंग्लिश, 3 फरवरी को केमिस्ट्री ज्योग्राफी, 4 फरवरी को इंग्लिश हिस्ट्री, 6 फरवरी को बायोलॉजी पॉलिटिकल साइंस, 7 फरवरी को हिंदी इकोनॉमिक्स की परीक्षा ली जाएगी। इसी प्रकार बाकी विषयों की परीक्षा तारीख भी आधिकारिक वेबसाइट से चेक किया जा सकता है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अरुण कमल की। समकालीन दौर में जिन कवियों, लेखकों और साहित्यकारों ने बिहार का मान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है, उनमें से एक हैं जाने माने कवि अरुण कमल। अरुण कमल आधुनिक हिंदी साहित्य में समकालीन दौर के प्रगतिशील विचारधारा संपन्न अकाव्यात्मक शैली के ख्यात कवि हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त इस कवि ने कविता के अतिरिक्त आलोचना भी लिखी है, अनुवाद कार्य भी किए हैं तथा लंबे समय तक वाम विचारधारा को फैलाने वाले साहित्यिक पत्रिका आलोचना का संपादन भी किया है। अरुण कमल का वास्तविक नाम अरुण कुमार है। साहित्यिक लेखन के लिए उन्होंने अरुण कमल नाम अपनाया और यही नहीं, यह नाम उनकी स्वाभाविक पहचान बन गया। उनका जन्म 15 फरवरी 1954 को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। पेशे से वे पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हैं। वर्ष 2023 में होने वाली परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों का जारी हुआ कैलेंडर। बीएसईबी ने विविध परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए प्रकाशित किए जा रहे वार्षिक कैलेंडर 2023 की माहवार या तिथिवार गतिविधियां जारी कर दी हैं, जिसमें माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी, सिमुलता लस 6 प्रवेश परीक्षा, डीएलएड फेस टू फेस, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, डीपीएड परीक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी परीक्षा के अभ्यर्थी या अभिभावक, विद्यालयों या महाविद्यालय या संस्थानों के प्राचार्य, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए विविध परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियों के लिए जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के लिए तैयार किए गए वर्ष 2023 के वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिए गए हैं। तारीख आप बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। नए साल में मिथिलांचल को मिलेगा सीएनजी बसों का तोहफा। नए साल में मिथिलांचल के लोगों को सीएनजी बस की सुविधा मिलेगी, इसकी तैयारी विभागीय स्तर पर शुरू कर दी गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक और क्षेत्रीय प्रबंधक शंकरानंद झा ने बताया कि नए साल में पथ परिवहन निगम की ओर से एक दर्जन सीएनजी बस विभाग के स्तर दरभंगा को दिए जाने का आश्वासन मिला है। बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग इन बसों को विभिन्न मार्गों पर चलाने पर विचार कर रहा है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि अब तक की जो योजना है उसके मुताबिक सीएनजी बस दरभंगा से कुशेश्वर स्थान, दरभंगा मुजफ्फरपुर के अलावा मधुबनी, सहरसा, समस्तीपुर और जयनगर रूट में तत्काल चलाई जाएगी। इसका टिकट काउंटर से लिया जा सकेगा। सीएनजी बस 45 सीटों की होगी। इसके लिए सीएनजी फ्यूल पंप भी दरभंगा डिपो में लगाने की बात चल रही है। पर्यटन की दृष्टि से बिहार के 6 शहर जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपने समृद्ध विरासत तथा ऐतिहासिक महत्व के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस राज्य में ऐसे कई सारे पर्यटन स्थल मौजूद हैं जो इतिहास के साथ साथ आज के वर्तमान समय से सामंजस्य को महत्व देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 6 ऐतिहासिक शहर के बारे में बताएंगे। पहला सीतामढ़ी। इस क्षेत्र में माता सीता का एक बेहद ही खूबसूरत और भव्य मंदिर स्थित है जो सीतामढ़ी के पुराना क्षेत्र में बनाया गया है। दूसरा नालंदा।
जिले में प्राचीन रूप से निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय, पर्यटक स्थल राजगीर और पावापुरी अपने खंडहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं। बिहार का एक खूबसूरत गांव वैशाली पर्यटन स्थलों में प्रसिद्ध है। यहां पर भगवान महावीर स्वामी का जन्म भी हुआ था। बोधगया बिहार के प्रसिद्ध जिलों में से एक है, जो कि बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। दरभंगा बिहार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इसे मुख्य रूप से बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। अस्पतालों में 5 दिनों के अंदर डिस्प्ले बोर्ड लगाने के दिए गए निर्देश। बिहार सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में अगले 5 दिनों में डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है। दरअसल यह डिस्प्ले बोर्ड मरीजों की सुविधा के लिए लगाए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि मरीज अक्सर अस्पताल आते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी लेने में काफी समस्या अलग होता है। मिशन 60 के तहत डिस्प्ले बोर्ड में ओपीडी, आईपीडी की रोस्टर ड्यूटी, अस्पताल में दवा की उपलब्धता, इमरजेंसी वार्ड में बेड, ऑक्सीजन और रेफरल तथा हेल्पलाइन नंबर भी डिस्प्ले किए जाए। मरीजों की परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। गांधी मैदान में इस दिन से हो रहा सरस मेला का आयोजन। बिहार का सरस मेला पटना के गांधी मैदान में 15 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित होने जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार का यह मेला उद्यमिता से सशक्तिकरण की थीम पर आधारित होगा। दरअसल इस मेला की यह खासियत है कि यह मेला परंपरा, संस्कृति, स्वाद और हस्तशिल्प को अपने अंदर संजोए रहता है। इस मेले की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई थी। इस मेले को बिहार में देश के हर राज्य से स्वदेशी उत्पाद, संस्कृति और परंपरा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लगाया जाता है। मेले में पारंपरिक भोजन के स्टॉल, जीविका दीदी के रसोई के स्टॉल और बच्चों के लिए फन जोन के आकर्षण केंद्र भी होते हैं। अब 5 मिनट में यहां मिलेगा भूमि के खतियान। जमीन का खतियान की नकल के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाली व्यवस्था में अब जल्द ही बदलाव किया जाएगा, जिसकी पहल पटना जिले से शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि पहले की व्यवस्था में भूमि के खतियान के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब कुछ ही मिनट में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। दरअसल पटना रिकॉर्ड रूम में रखे गए सभी खतियान एवं कागजात का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। हालांकि यह सुविधा अगले साल में मिलेगी। गांधी मैदान स्थित पटना सदर ब्लॉक में जिला रिकॉर्ड रूम को संचालित किया जा रहा है। यहां पटना जिले के 23 अंचलों की जमीन का खतियान रखा हुआ है। बीएसएपी 14 के एसोसिएशन अध्यक्ष घूस लेते गिरफ्तार। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 14वीं बटालियन के एसोसिएशन अध्यक्ष को 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 14वीं बटालियन के कार्यालय में छापेमारी की गई। दरअसल बीएसपी 14 की महिला सिपाही को अनियमितता के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद एसोसिएशन अध्यक्ष ने महिला कांस्टेबल से 20,000 की मांग की और कहा कि तब तुम्हारे खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन सारे आरोपों से मुक्त कर दूंगा। इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी महिला सिपाही ने निगरानी विभाग को दे दी, जिसके माध्यम से एसोसिएशन अध्यक्ष और उसके साथी सिपाही को निगरानी विभाग ने दबोच लिया है। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहते हैं कि अब युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर उन्होंने कई जनसभाओं में यहां तक कह दिया कि वो तेजस्वी यादव को आगे रखना चाहते हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। साथ ही नीतीश ने यह भी साफ कर दिया है कि वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक खत्म होने के बाद नीतीश ने यह बयान दिया है। सीएम नीतीश ने बीपीएससी के माध्यम से चयनित अधिकारियों को दिया नियुक्ति पत्र। बीते दिन एक बार फिर से बिहार में नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटा। राजधानी पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर स्थित ज्ञान भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव के अलावा वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री लेसी सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता, परिवहन मंत्री शीला मंडल सहित ग्रामीण विकास मंत्री और श्रम संसाधन मंत्री उपस्थित रहे। अब इन सभी चयनित अधिकारियों को बिपार्ड की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार में इस दिन से और गिरेगा तापमान। न्यूनतम तापमान। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं और चक्रवाती तूफान मैंडूस का असर खत्म होने के साथ ही बिहार में ठंड बढ़ेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान सुबह में कोहरा या धुंध के बाद मुख्य रूप से आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बिहार के विभिन्न जिलों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। उसके बाद अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के 14 जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
बीएसएससी सीजीएल का एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने स्नातक स्तर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार bssc.bihar.gov.in आधिकारिक वेबसाइट से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 23 और 24 दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाली है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा आयोजन सहायक मलेरिया निरीक्षक डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी और सचिवालय सहायक के लिए कुल 2187 लोगों की भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। बिहार बन रहा पर्यटकों का नया आकर्षण केंद्र, सैलानी द्वारा किया जा रहा इस जगह को पसंद। कोरोना के बाद बिहार में घूमने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रहा है। कोरोना से पहले वर्ष 2019 में देशी पर्यटकों की संख्या 3.40 करोड़ थी और विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 11 लाख थी। जब कोरोना काल शुरू हुआ तो पर्यटकों की संख्या में कमी आई, लेकिन वर्ष 2022 सितंबर में धीरे धीरे पर्यटकों की यही संख्या बढ़ती नजर आ रही है। राज्य में बढ़ते पर्यटकों की संख्या देख राज्य सरकार ने सभी सर्किट को विकसित करने का निर्देश दिया है और पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने की योजना बनाई है, जिनमें कैफेटेरिया, खाने पीने की दुकानें, विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा और शौचालय की सुविधा जैसी चीजों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। सूबे में विश्व स्तरीय सुविधा तक देने की बात कही गई है, साथ ही साथ 160 पर्यटन स्थलों को भी विकसित करने की कही गई है। शिक्षा विभाग ने गठित की उच्च स्तरीय समिति। बिहार में शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के छात्रों की परेशानियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह समिति विभाग को ठोस पहल करने का विकल्प देगी। शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा के निदेशक की तरफ से जारी एक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के कई विश्वविद्यालय में छात्र पीछे चल रहे हैं। सत्र पीछे चलने से छात्र समय पर अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जिस समिति का गठन किया गया उसके संयोजक पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति आर के सिंह को बनाया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा निदेशक और उप निदेशक रैंक के पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। जो सदस्य सचिव होंगे उन्हें मंत्री द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि यह सभी सदस्यों से सामंजस्य बैठाकर एक सप्ताह के अंदर बैठक आयोजित करके अधिकतम 10 दिनों में प्रतिवेदन समर्पित करेंगे, ताकि उसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संज्ञान में लाकर सत्र नियमितीकरण की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाया जा सके। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार के दो मंत्रियों को दी बड़ी जिम्मेदारी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को उत्तर प्रदेश जदयू का प्रभारी बनाया है, जबकि बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को झारखंड जदयू का प्रभारी बनाया है। इसके लिए पार्टी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने तत्काल प्रभाव से बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को जनता दल यूनाइटेड के उत्तर प्रदेश इकाई का और बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को जनता दल यूनाइटेड के झारखंड इकाई का प्रभारी नियुक्त किया है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही भाजपा ने सरकार का किया घेराव। बीते मंगलवार को बिहार के विधानसभा की शुरुआत गर्माहट भरे माहौल से हुई। विपक्ष ने सरकार को कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर घेरा। विपक्ष संसद के अंदर और बाहर काफी आक्रामक दिखे। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने रोजगार के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं से 10 लाख नौकरी का वादा किया है और सरकार को इसे पूरा भी करना चाहिए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि इस गठबंधन की सरकार के न आ जाने से बिहार की कानून व्यवस्था बहुत ही मरा गई है। तवांग मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने भारतीय सेना की तारीफ। भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग सेक्टर में हुई झड़प पर बीते दिन विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा में हंगामा जारी रहा। इस बीच बीते दिन तेजस्वी यादव ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा कि हमें हमारे सैनिक पर भरोसा है, जब तक इंडियन आर्मी है तब तक हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हमारी सीमा सुरक्षित रहेगी। उन्होंने यह बातें बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले हुई महागठबंधन के विधायक दल की बैठक के बाद कही। उन्होंने शीतकालीन सत्र को लेकर कहा कि सत्र के 4 दिन अभी बाकी है, इस दौरान कई विधेयक लाए जाएंगे। हमने हमेशा से रोजगार और नौकरी को प्राथमिकता दी है। बिहार ही नहीं, इन राज्यों ने भी की जातीय जनगणना की मांग। बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा महाराष्ट्र और ओडिशा ने आगामी जनगणना जाति विवरण एकत्र करने का अनुरोध किया है। दरअसल बीते दिन मंगलवार को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि ये 3 राज्य हैं जो जातीय जनगणना की मांग की है। वहीं गृह राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने आजादी के बाद से जनगणना में एससी एसटी के अलावा अन्य जातिवार जनसंख्या की गणना नहीं की है। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र और ओडिशा तथा कुछ संगठनों ने आगामी जनगणना में जाति आधारित विवरण एकत्र करने का अनुरोध किया है। नित्यानंद राय ने बताया कि आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें स्वगणना का प्रावधान है।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। निबंधकार लेखक कहानीकार उपेंद्रनाथ अश्र का जन्म 1910 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु V.K.S. अयंगर का जन्म 1918 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार विजेता रूसी भौतिक विज्ञानी निकोले बासोव का जन्म 1922 में हुआ था। भारतीय अभिनेता राज कपूर का जन्म 1924 में हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का जन्म 1934 में हुआ था। भारतीय सिनेमा में बंगाली और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता विश्वजीत चटर्जी का जन्म 1936 में हुआ था। भारतीय नेता इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का जन्म 1946 में हुआ था। भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज का जन्म 1953 में हुआ था। भारत ने 2008 में अर्जेंटीना के खिलाफ U21 हॉकी टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में 4-4 से ड्रॉ खेला। टेस्ट सीरीज के लिए भारत बांग्लादेश ने कसी कमर। भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत बुधवार 14 दिसंबर यानी आज से होने वाली इस टेस्ट सीरीज के लिए दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि भारत और बांग्लादेश के कुछ प्रमुख खिलाड़ी चोट से जूझ रहे हैं, ऐसे में टीम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी युवा खिलाड़ियों पर होगा। दोनों टीमों के बीच यह मैच चट्टग्राम के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मैच का प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। मैच सोनी लाइव ऐप पर भी वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर के बीच चटगांव में खेला जाएगा। वायरल खबर में आज बात होगी CBSE द्वारा जारी डेट शीट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे CBSE द्वारा निकाली गई परीक्षाओं की डेट शीट के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि CBSE बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए एक कथित डेट शीट सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है। PIB ने आगे लिखा है कि यह डेट शीट फेक है। CBSE से संबंधित अपडेट के लिए CBSE.gov.in पर विजिट करें और तुरंत अपडेट के लिए आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। व्यू वंस टेक्स्ट फीचर पर काम कर रहा है व्हाट्सएप। मेटा का मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को एक ऐसे फीचर पर काम करते हुए देखा गया है जो उसके यूजर्स के लिए मैसेज में प्राइवेसी को और बेहतर बनाता है। इससे मैसेज में यूजर्स को इसमें और वीडियो को व्यू वंस मैसेज के रूप में भेजने की सुविधा मिलती है, जिसे देखते तुरंत बाद वह गायब हो जाता है। मैसेजिंग ऐप के फीचर ट्रैकर ने अब व्हाट्सएप को एंड्रॉयड पर व्यू वंस टेक्स्ट मैसेज भेजने की क्षमता पर काम करते हुए देखा है। यह सुविधा अभी भी विकास के फेज में है। व्हाट्सएप फीचर ट्रैकर WA Beta इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक मेटा की मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ने हाल ही में गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम के जरिए एंड्रॉयड के लिए व्हाट्सएप का वर्जन 2.22.25.20 रोल आउट किया है। व्हाट्सएप के इस बीटा वर्जन में एक फीचर की बात की है जो यूजर्स को वंस व्यू टेक्स्ट मैसेज भेजने देता है। बिहार में नियोजित शिक्षकों पर फर्जी तरीके से शिक्षक बनने का आरोप। बिहार के सरकारी विद्यालयों पर फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए जिन शिक्षकों की बहाली हुई है उन्हें नौकरी से बर्खास्त तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ प्राथमिकी भी दर्ज होगी। विभाग द्वारा शिक्षकों से प्रमाण पत्र मांगे जाने पर भी शिक्षक अभी तक उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। इस पर विजिलेंस ब्यूरो ने पटना हाईकोर्ट से शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुमति मांगी है, साथ ही साथ संबंधित नियोजन इकाइयों के सचिवों पर भी कार्रवाई की बात कही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम इमरान खान, रंजीत मिश्रा, अशोक ठाकुर, पंकज कुमार, ऋषु कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मुचू रंगीला, मैकाल मुर्मू, भरत प्रसाद, राजेश कुमार, सुजीत कुमार सिंह, सिंटू कुमार, रामनवमी मांझी और धर्मवीर भक्त। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।